हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन सुपर एडिटिंग चैनल। भाई आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की प्रोफेशनल एडिटिंग करने वाले हैं जो कि देखने में काफ़ी ऑसम लग रहा है। एंड हाँ, पहले यह कुछ इस टाइप का फ़ोटो था और इसको एडिट करके मैंने इस टाइप का बना दिया है। आप भी कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग बहुत ही सिंपल वे से कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो का एंड तक देखिएगा। इस फ़ोटो में मैं जितना भी मटेरियल यूज करूँगा सब आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए एंड बैकग्राउंड डाउनलोड कीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। देन फ्रेंड, हम अपने फोटो को लाइटरूम ऐप में ओपन कर लिए एंड उसके बाद यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसकी कंट्रास्ट को लगभग 10 तक करेंगे एंड हाइलाइट्स को 16 के करीब रखेंगे एंड शैडो को भी 16 कर लेंगे। अपने फ़ोटो के हिसाब से कीजिएगा, फ़िलहाल मैं सबको 16 करूँगा। मेरा फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, अगर आपका फ़ोटो भी ज़्यादा ब्लैक हो तो आप यही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड मिक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मिक्स है, इस पर क्लिक करके इसको सेचुरेशन को 100 कर लेंगे, फिर ल्यूमिनेंस को 100 कर लेंगे क्योंकि मेरा लिप बहुत ब्लैक था, अब मेरा लिप रेड हो गया है। उसके बाद फ्रेंड हम ऑरेंज वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड इससे दरअसल फेस वाइट होता है, तो इसको मैं 50 के करीब रखूँगा, 50 के करीब रखूँगा। आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लीजिएगा, इस सब टूल्स को एडजस्ट करूँगा। फिर हम बैकग्राउंड हमको वाइट रखना है, इसलिए हम इसको वाइट करेंगे। वाइट करने के लिए ह्यू सेचुरेशन सबको 100 कर लेना है, मतलब डिक्रीज करना है। उसके बाद ल्यूमिनेंस को भी डिक्रीज करेंगे, फिर ह्यू को डिक्रीज कर लेंगे, सेचुरेशन को भी सेम प्रोसेस। और हाँ फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम अपने फ़ोटो को एडजस्टमेंट कर लिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम अपने फ़ोटो को शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। हम स्नैपसीड एप्लीकेशन में दो वर्क करेंगे, एक करेंगे कि बैकग्राउंड चेंज करेंगे और उसके बाद टी शर्ट का कलर चेंज करेंगे। सो यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड अपने फ़ोटो को स्नैपशीट में ओपन कर लेंगे, यहाँ से शेयर करेंगे। देन उसके बाद फ्रेंड टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, फिर गैलरी पे जाएंगे एंड एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो, उससे जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा। देन फ्रेंड हम यह बैकग्राउंड ले लिए एंड इसको ओपेसिटी को 100 कर लेते हैं एंड उसके बाद अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, मूव का ऑप्शन है ना, बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसको 75 करेंगे एंड अपने फ़ोटो में अप्लाई कर लेंगे। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करके कीजिएगा तो 100 कीजिएगा, और यह काम बड़े ही बारीकी से करना है ताकि पता ना चले कि बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, इसलिए बहुत ही बारीकी से करना है। और हाँ, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। जब भी मैं कोई न्यू फ़ोटो पोस्ट करता हूँ तो पहले इंस्टाग्राम पर ही डालता हूँ, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि इसका ट्यूटोरियल लाओ तो मैं उसका ट्यूटोरियल ज़रूर लाऊंगा। चलिए हम थोड़ा फास्ट तरीका से कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। सो इसी तरीका से करना है।
देन देखिए मेरे जिगर की छलो, हम अच्छे तरीका से इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लिए, पता ही नहीं चल रहा है कि यार बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। एंड उसके बाद अब हम अपने टी शर्ट पे कलर डालेंगे, उसके लिए फिर से टूल्स पे जाएंगे, फिर डबल एक्सपोजर पे जाएंगे एंड एक PNG लाएंगे। तो गैलरी से जा करके एक PNG ले आएंगे, फिर इस वाले ऑप्शन में बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसको डार्क कर लेंगे, फिर डन कर देंगे। यहाँ से व्यू एडिट करेंगे, फिर डबल एक्सपोजर करके इस पे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसको 100 करके अपने टी शर्ट पे अप्लाई कर लेना। इसको अच्छे तरीका से, इसको भी अच्छे तरीका से देखिए टी शर्ट का कलर चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे ही इसको अच्छे तरीका से बिल्कुल ही समय देना है, बिल्कुल बारीकी से करना है ताकि पता ना, कोई किसी को पता ना चले कि यार टी शर्ट का कलर चेंज किया हुआ है, तो ऐसे कर लेंगे। और हाँ, अभी तक नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कर लो यार, कब करोगे, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, फिकर नॉट। सो देखिए मैं जान हूँ अपने फ़ोटो को अच्छे तरीका से, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से कर लिए टी शर्ट पर अप्लाई। फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिएगा एक ब्रश का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे, सेचुरेशन पे क्लिक करेंगे एंड लिप को थोड़ा रेड कर लेते हैं, डार्कनेस कर लेते हैं। इसी तरीक़े से आपको भी ब्रश चला लेना है अपने लिपों पे, तो देखिए हो गया ना, एंड इसको डन कर देंगे। फिर उसके बाद फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्टिव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसको हल्का अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, यहाँ से अपने हल्का फेस को गोरा कर देते हैं और वाइट कर देते हैं। यहाँ का काम होगा, आप अपने फ़ोटो को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में ले जाएंगे तो शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फ़ोटो को ऑटोडेस्क में ओपन करेंगे, सॉरी ओपन नहीं, शेयर करेंगे, यहाँ से शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। देन देखिए फ्रेंड्स, मेरा फ़ोटो ऑटोडेस्क में ओपन हो गया। उससे पहले आपको एक फ़ोटो का डुप्लीकेट लेयर बनाना होगा, लेयर बनाने के लिए इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद फ़ोटो पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा डुप्लीकेट लेयर, इसको बना लेना है। एंड उसके बाद टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर टूल्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाना है, यहाँ से एक ब्रश सेलेक्ट करना है, ट्रेडिशनल बार में आएंगे एंड यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट करेंगे। इसका सेटिंग बता देते हैं, यहाँ से आइएगा, यहाँ से पहले आप स्मार्ज कर लीजिएगा एंड इसको सेटिंग को इतना ही रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना रखिएगा एंड अपने फेस पे इसको अच्छे तरीका से बिल्कुल समय देना है, बिल्कुल बारीकी से अप्लाई करना है। बिल्कुल देखिए कितना अच्छा से हो रहा है, कितना अच्छा से हो रहा है, बिल्कुल बारीकी से अच्छे तरीके से समय दे करके फेस को स्मूथ करना है। तो चलिए हम अपने फ़ोटो को अच्छे तरीके से टाइम दे करके फेस स्मूथ कर लेते हैं। इस पर आपको समय देना ही होगा अगर आपको बेस्ट फ़ोटो चाहिए, तो इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको आपको फेस स्मूथ करना है समय दे करके एंड इसको अच्छे से जूम कर करके अपने फ़ोटो पर अप्लाई कीजिएगा है। एंड यहाँ से जहाँ पे आपको अपने बॉडी के पार्ट पर वाइट लोग दिखाई देगा वहाँ से कर लीजिएगा। एंड हाँ, बिल्कुल ध्यान रहे, यह हेयर पे नहीं अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही आपको भी जूम कर लेना है और अपने फ़ोटो पे अप्लाई करना है। यह बहुत अच्छा ही फेस स्मूथ करने वाला ब्रश है, तो इससे बिल्कुल बहुत ही अच्छा तरीका से होता है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। हम अपने फ़ोटो पे बिल्कुल बिल्कुल समय दे करके अच्छे तरीका से ब्रश कर लिए हैं एंड उसके बाद फिर से डुप्लीकेट वाले लेयर्स पे क्लिक करेंगे एंड अपने फ़ोटो पे टैप करेंगे एंड इसको मर्ज कर लेंगे। एंड उसके बाद मेरा चश्मा का कलर फीका लग रहा है, उसके लिए आपको एक लेयर बनाना होगा, लेयर बनाने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फिर लेयर पर टैप करना है, उसके बाद ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसका
ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करेंगे एंड इसको सॉफ्ट लाइट पे कर लेंगे। एंड यहाँ से कलर्स के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से कलर्स के ऑप्शन पे जाएंगे एंड इसको रेड कर लेंगे, रेड कर लिए एंड जूम करके अपने चश्मे पे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से टूल्स के ऑप्शन पे जा करके मीडियम ब्रश आपको सेलेक्ट करना हो। अब देखिए यहाँ से देखिए कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। इसको अपने चश्मे पे अप्लाई कर लीजिएगा, अगर चश्मा आपके पास होगा तो कीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको एक नॉलेज तो मिल जाएगा ना कैसे चश्मा कलर चेंज किया जाता है। तो इस तरीके से इस पर भी अप्लाई कर लेंगे। देन देखिए फ्रेंड्स, हम अपने चश्मे कलर बिल्कुल चेंज कर लिए एंड फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको मर्ज कर लेंगे। एक बार टैप करेंगे लेयर्स पे एंड इसको मर्ज कर लेंगे। बट फिर भी यार फोटो जिस तरीके से थंबनेल पे था उस टाइप का अभी नहीं है, तो उसके लिए आपको फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन में ले जाना पड़ेगा एक बार अपने फ़ोटो को। तो यहाँ से गैलरी में सेव कर लेंगे एंड ले चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। टी शर्ट का भी कलर अजीब है तो एक बार लाइटरूम एप्लीकेशन में ले चलते हैं। देन फ्रेंड्स, हम अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में लिए एंड यहाँ से कलर्स वाले ऑप्शन पर आएँगे एंड मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट करेंगे एंड इसको देखिए यहाँ पे ह्यू को बढ़ा देंगे 100 के आसपास रख लेंगे एंड इसको सेचुरेशन के 70 के पास एंड इसको लुमिनेंस को घटा देंगे। फिर सेकेंड वाले पे जाएंगे, फिर इस वाले ब्रश पे जाएंगे एंड इसको सेचुरेशन को हल्का बढ़ा लेंगे। देखिए बिल्कुल हो गया ना फोटो जिस तरीका से। एंड फिर इसको फेस को चाहे गोरा करना चाहते हैं तो सेचुरेशन को घटा दीजिए यहाँ से ऑरेंज वाले। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फोटो बिल्कुल रेडी हो गया है। तब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।